हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किराएदार और मकान मालिक के झगड़े से आने वाले समय में आपको मुक्ति मिलने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया कानून ला रही है किराएदार और मकान मालिक के लिए कि रोज का इनका झगड़ा खत्म होगा। अब इस नए टेनेंसी एक्ट में क्या है, इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इसका ड्राफ्ट बनाया था, वो ड्राफ्ट अब कंप्लीट हो चुका है और कैबिनेट मिनिस्टर ने इसका पास कर दिया है और अब इसको राज्यों को भेजा जाएगा। हालांकि एक बात नोट करने लायक है कि जमीन राज्यों का विषय है, जमीन के ऊपर राज्य अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कानून बना रही है, अगर राज्य चाहें तो सेम टू सेम वो कानून अपने यहाँ लागू कर पाएंगे, अगर वो चाहें उसमें कुछ बदलाव करना तो भी वो बदलाव कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार। तो इसलिए उस नए आने वाले कानून में क्या है, ऐसी क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी अपन देखेंगे। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए जाननी अभी जरूरी है। अगर आप मकान मालिक हैं तो भी आपके लिए जानना जरूरी है, अगर आप किराएदार हैं तो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते क्या है। अभी प्रेजेंट में अपने इंडिया में रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 लागू है और इसी के आधार पर अलग अलग राज्यों ने अपने राज्यों में अलग अलग कानून बनाए हैं जमीन से रिलेटेड, क्योंकि ये जमीन राज्यों का विषय है। महाराष्ट्र में रेंट कंट्रोल एक 1999 लागू है, रेंट कंट्रोल एक 1958 लागू है दिल्ली में, और चेन्नई में 1960 लीज एंड रेंट एक्ट लागू है। अब जो नया कानून का जो ड्राफ्ट बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया ड्राफ्ट बनाया है, उसमें क्या चीज़ें हैं उसके बारे में अभी अपन देखेंगे। देखते फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीमेंट जरूरी है, मतलब अगर आप किराएदार हो या अगर आप मकान मालिक हो तो आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। आप बिना एग्रीमेंट के अपने पास किराएदारों को नहीं रख सकते हैं। अगर आप रखेंगे और अगर कुछ ऊपर नीचे होगी, कुछ इलीगल बात होगी, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। नए एक्ट में सरकार ने बिल्कुल ये पाबंद किया है कि एग्रीमेंट होना बहुत ही जरूरी है दोनों के बीच में। सेकंड, सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 माह का। कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार से सिर्फ 2 महीने का एडवांस ले सकेगा। ये नहीं कि आप 10 महीने का दे दो, 15 महीने का दे दो। अभी बहुत सी जगह ऐसे होते हैं कोई 5 महीने का ले लेता है, कोई 7 महीने का ले लेता है, तो अब वो समस्या खत्म होगी। सिर्फ और सिर्फ मकान मालिक अगर कोई किसी को शॉप रेंट पर दे रहा है या किसी को मकान रेंट पर दे रहा है, सिर्फ 2 महीने का ही एडवांस डिपॉजिट ले सकेगा, इसके आगे नहीं ले सकेगा, नए एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। थर्ड, शर्तें और नियम। शर्तें और नियम दोनों के लिए बराबर होगी। उसमें यह जस्ट लिखा हुआ होगा कि मकान मालिक को क्या क्या काम करवाना होगा अपने मकान में, और अगर किराएदार रह रहा है तो किराएदार को भी कुछ ऐसे नियम होंगे उसको फॉलो करेंगे, उसके ऊपर क्या क्या खर्चा आएगा, उसके ऊपर मकान में क्या क्या उसको खुद को खर्चा करना है। तो शर्तें और नियम दोनों के बराबर डिवाइड लिखी हुई होगी नए एग्रीमेंट के ऊपर। फोर्थ, किराए में बढ़ोतरी 3 माह। मतलब कोई भी मकान मालिक अगर किराए की बढ़ोतरी करेगा तो उसको 3 महीने पहले नोटिस देना बहुत ही जरूरी है। इस नए एग्रीमेंट के प्रावधान किए गए हैं, ये नहीं कि वो तुरंत आएगा और उसी महीने कह देगा नहीं यार मैं तो आपके लिए किराया बढ़ा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। इसके लिए उस मकान मालिक को 3 महीने का एडवांस पीरियड अपने किराएदार को देना बहुत ही जरूरी होगा। अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मकान किराएदार के पास ऑप्शन होगा कि वो किराया बढ़ाने से उस मकान मालिक को रोक सके। फिफ्थ, मरम्मत। मतलब किराएदार और मकान मालिक काफ़ी टाइम से उसी मकान में साथ साथ रह रहे हैं तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा खर्चा आता है, टूट फूट जो भी है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि मकान मालिक क्या खर्चा करेगा और किराएदार क्या खर्चा करेगा। किराएदार अपने जिस पोर्शन में रह रहा है उस पोर्शन का क्या क्या खर्चा किराएदार को करना है और क्या क्या खर्चा मकान मालिक को करना है, इसके लिए पूरा एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल के जरिए दर्शाया जाएगा इस एग्रीमेंट में। सिक्स, नए एग्रीमेंट से पुराने विवाद का कोई असर नहीं होगा। नए एग्रीमेंट में जैसे कि आपका कोई पुराना मकान मालिक और किराएदार का कोई पुराना विवाद चल रहा है तो उसका को नए एग्रीमेंट में कोई असर नहीं होगा। नए एग्रीमेंट पूरा नया होगा, पुराना विवाद पुराना के हिसाब से चलता रहेगा, वो उस नए में मिक्स नहीं होगा। 7, गांव भी इसके दायरे में आएंगे। अभी प्रेजेंट जो एक्ट है वो गांव इसके दायरे में नहीं है, गांव इसके अलग। अभी जो वर्तमान में जो नया एक्ट आ रहा है इसके अंदर गांव में भी अगर कोई रेंट पे देगा अपनी जमीन वगैरह या मकान वगैरह तो वो भी उस दायरे में आएगा, उसको भी एग्रीमेंट लागू करना होगा और नए रूल्स और नए जो भी नियम है वो लागू करने होंगे। 8, होटल लॉज इसमें शामिल नहीं है।
इस रेंट एग्रीमेंट में होटल और लॉज को इसको अलग रखा गया, क्योंकि एक ये व्यावसायिक श्रेणी में आते हैं, होटल अलग आते हैं, होटल और लॉज के लिए अलग से कानून बने हुए हैं। तो जो नया रेंट एग्रीमेंट आ रहा है इसमें होटल और लॉज को शामिल नहीं किया गया है। नाइन में अपने कह सकते हैं कि एग्रीमेंट खत्म होने के बाद अगर कोई भी किराएदार खाली नहीं करता है तो 2 महीने तक दुगना, उसके बाद 4 गुना किराया देना होगा। अब इसमें ये एक स्ट्रिक्टली बहुत से जने कई बार ऐसा आता है कि किराएदार मकान ही खाली नहीं करते हैं और वो अपनी दाग जमाते हैं, लेकिन इसमें साफ लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, अगर एग्रीमेंट खत्म होने के बाद में अगर आप मकान खाली नहीं करते हैं तो आपको 2 महीने तक दुगना किराया देना होगा और उसके बाद आपको 4 गुना किराया भी देना पड़ सकता है। इसलिए आपको मकान खाली करना बहुत ही ज़रूरी है आपके एग्रीमेंट खत्म होने के बाद में। 10, किसी और को किराया देने से पहले मकान मालिक की सहमति बहुत ज़रूरी होगी। बहुत से जगह आपने देखा होगा कि मकान मालिक से आपने मकान किराया लिया हुआ है, अब मकान मालिक कहीं बाहर है और वहाँ आता जाता नहीं है, और किराएदार क्या कर रहा है, खुद तो नहीं रह रहा है और दूसरे को और उससे ज़्यादा पैसे पर दूसरों को किराया दे देता है, ऐसा अब संभव नहीं है। इसके लिए अगर आपने किराया लिया है और अगर आप किसी को दूसरे को दे रहे हो तो इसके लिए आपको मकान मालिक से सहमति लेनी बहुत ही जरूरी है, एग्रीमेंट में इसमें समझौता करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट है, मैंने आज आपको बताया कि नए गवर्नमेंट नया रेंट एग्रीमेंट ला रही है वो क्या है, तो आज मैंने बताया। अब इसका एक कारण कि रेंट एग्रीमेंट नया क्यों ला रही है, कारण ये है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं अभी अपने इंडिया में जो खाली पड़ी हुई है और मकान मालिक हैं, बड़े बड़े बिल्डर हैं जो अपने फ्लैट है किराए पे नहीं दे रहे, वो इसी कारण से नहीं दे रहे कि किराएदार की झिकझिक और फालतू की परेशानी में कौन पड़े। इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि जो खाली रेंट, खाली जो ज़मीनें पड़ी हुई है, खाली जो मकान पड़े हुए हैं वो भी किराए पे जाए और लोगों को मकान मिले आसानी से, इसलिए नया एग्रीमेंट ला रही है जो मकान मालिक और किराएदार के लिए दोनों ही के लिए अच्छा होगा। इसी के साथ आ जाइए, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसे ही तरह के कुछ नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।